जिला कांगड़ा के उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि होम क्वारंटाइन की उल्लंघन करने वाले नागरिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ 50,000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस बाबत आदेश भी पारित कर दिए गए हैं। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी जमीन भी कुर्क की जा सकती है। बाहरी राज्यों व क्षेत्रों से आए नागरिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो 28 दिन तक अपने घरों में रहें और सामाजिक दूरी का पूरी तरह अनुपालन करना सुनिश्चित करें। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का भी प्रावधान किया गया है। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि बाहरी राज्यों के रेड जोन तथा हिमाचल के बद्दी व बरोटीवाला से आने वाले सभी नागरिकों को इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन से आने वाले उन लोगों को इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में रखा जाएगा जिनमें फ्लू के लक्षण होंगे। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि सीमांत नाकों पर बाहर से आने वाले सभी नागरिकों का मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है। जो लोग होम क्वारंटाइन को वायलेट कर रहे हैं उनको 28 दिनों तक, वायलेशन के डेट से लेकर 28 दिनों तक उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा। और आज हमने एक नया आदेश भी जारी किया है कि अगर ऐसे लोग जिन्होंने वायलेट किया है होम क्वारंटीन को, क्योंकि होम क्वारंटीन को हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं, उनके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। और अगर ये जुर्माना एसडीएम को नहीं देते हैं और हम गवर्नमेंट के पास जमा नहीं करा पाते हैं इस 50,000 जुर्माने को, तो एज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू उनके खिलाफ केसेस चलेंगे और ज़रूरत पड़ी तो उनकी ज़मीनें बेचकर भी हम 50,000 रुपये लेंगे। इसीलिए बार बार मैं इस बात पर फोकस कर रहा हूँ कि काइंडली जो लोग होम क्वारंटीन में हैं वो होम क्वारंटीन की अवधि पूरी करें और इसको बिल्कुल वायलेट करने की ज़रूरत किसी भी व्यक्ति को नहीं है।